फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं घिया की सब्जी। बच्चे नहीं खाते इसलिए हम घिया का रायता बनाने जा रहे हैं, लौकी का। देखो फ्रेंड्स, बच्चे नहीं खाते इसलिए आज मैं घिया का रायता बना रही हूँ। एक बार मेरे अंदाज से घिया का रायता बनाना फ्रेंड्स। मैं घिया को छिल रही हूँ। ये छिलका सारा उतार लिया है मैंने घिया लौकी का। अब मैं फ्रेंड्स इसको घिया कस की सहायता से इसको घिस लूंगी। बच्चे नहीं खाते सब्जी, रायता खा लेते हैं। घिया का हेल्दी होता है बच्चों के लिए, बच्चों की शरीर के लिए, बड़ों की शरीर के लिए, सबके लिए हेल्दी होती है लौकी। इसलिए हमें लौकी बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए। लौकी तो हर बीमारी के अंदर फायदा करती है इसलिए, और ये पेट में ठंडी भी करती है इसलिए घिया का हमें रायता जरूर बनाना चाहिए। सब्जी के साथ भी बना के खा सकते हो फ्रेंड्स आप, और कैसे भी बना के खा सकते हो इसको फ्रेंड्स। अब हम इसको वॉश करके लाएंगे फ्रेंड्स। इसमें से दो पीस कर लूंगी मैं, क्योंकि एक साथ ऐसे इतनी लंबी नहीं घिसी जाती, इसलिए मैंने दो पीस कर लिए हैं फ्रेंड्स। अब इसको मैं घिस रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये घिस रही हूँ मैं, देखो लौकी को किस तरीके से घिस लेना। और एक बार जरूर बनाना फ्रेंड्स इस नए अंदाज से घिया का रायता। बच्चे सब्जी नहीं खाते, हम किसी भी प्रकार की बना लेते हैं, बच्चे नहीं खाते इसलिए रायता बच्चों को बना करके हम खिला सकते हैं लौकी का। इसलिए फ्रेंड्स जरूर बनाना। ज्यादा इसमें कुछ लगता भी नहीं है और झटपट से बन भी जाता है। ये देखो फ्रेंड्स, हमने सारी लौकी घिस ली है। देखो फ्रेंड्स ये घिस ली है हमने। फ्रेंड्स ये मैंने देखो कढ़ाई रख दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ये इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि ये नॉन स्टिक इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ कि ताकि चिपके नहीं है इसके, इसलिए मैंने इसके घी डाला है, वरना डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब मैं ये डाल रही हूँ घी इसके अंदर घिसी हुई। इसको मीडियम फ्लेम पर हम नमक डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा कच्चा खाना पसंद करती हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं पकाती, इसे थोड़ी ही पकाऊंगी फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से इसको ज्यादा कम पका सकते हो। मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है, आप भी आपकी इच्छा अनुसार डाल सकते हो कोई सा भी नमक। और फ्रेंड्स अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करके नमक को और ढक देंगे। ये गल जाएगी और फिर हम इसे देखेंगे फ्रेंड्स। अब भी लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे।
फ्रेंड्स अब ढक्कन हटा रहे हैं हम, 10 मिनट हो गई और ये देखो गल गई है ये। अब हम इसे उतार लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। ये फ्रेंड्स मैंने निकाल ली इसमें से ढक्कन में और मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ। ये जितनी ठंडी होगी उतने हम अभी तैयारी कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स ठंडी हो रही है, अब हम अगली तैयारी कर रहे हैं अपने। फ्रेंड्स ये मिर्च डाल दिए देखो मैंने, आधी से थोड़ी कम चम्मच, और ये हींग ले रही हूं 1/4 चम्मच, ये हींग डाल रही हूं मैं। और ये फ्रेंड्स आधी चम्मच मैं भुना हुआ जीरा डाल रही हूं। फ्रेंड्स हींग इसलिए डालते हैं इसमें कि ताकि नुकसान ना करे ये दही है जो, वैसे मैं ताजी दही का बना रही हूं लेकिन है ना जो हींग से अलग ही टेस्ट आता है रायते के अंदर, इसलिए फ्रेंड्स मैंने हींग डाला है। अब इसमें हम नमक थोड़ा सा डालेंगे बाद में, ताकि हम नमक डाल देते हैं दही में तो फिर दही खट्टी हो जाती है, और दही खट्टी हो जाती है तो फ्रेंड्स फिर है ना जो रायता खट्टा हो जाता है। इसलिए गर्मियों में फ्रेंड्स नमक उसी टाइम पर डालिए जिस टाइम पर आपको सर्व करना हो खाना हो, क्योंकि है ना जो दही में नमक डालने से खट्टी हो जाती है दही, इसलिए मैं नमक अब इसमें नहीं डालूंगी। मैंने उसमें लौकी में ही जब पकाई थी जो हल्का सा आधी चम्मच मैंने काला नमक डाला था, अब फ्रेंड्स इसमें नमक मैं नहीं डालूंगी। नमक आप भी बाद में डालना फ्रेंड्स, क्योंकि खट्टा हो जाता है रायता। फ्रेंड्स देखो ये लौकी ठंडी हो गई है पकी हुई, अब हम ये इसमें दही में हम डाल देंगे। फ्रेंड्स आधा केजी से थोड़ी सी ज्यादा थी ये लौकी, 700 ग्राम की लौकी थी, और फ्रेंड्स ये हमने 1 केजी दही लिया है, 1 केजी से थोड़ा सा ज्यादा होगा इतना ही दही है। फ्रेंड्स हम इसे सब चीज हमने इसमें डाल दी है, अब हम इसमें एक बिना तीखी एक मिर्च डालेंगे इसमें फ्रेंड्स, वो कट करके ला रही हूं मैं भी। फ्रेंड्स देखो मैंने ये वाली मिर्च ली है, ये तीखी कम होती है और ये बच्चों को भी तीखापन नहीं वो करती, इसलिए मैं ये मिर्च डाल रही हूं, इससे खुशबू अच्छी आती है, इसलिए मैं इस मिर्च में से 4 पीस कर लेती हूं और इसके छोटे छोटे पीस करके मैं इसके अंदर डाल दूंगी। फ्रेंड्स इससे खुशबू भी अच्छी आती है, आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, इसमें धनिया भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, इच्छा अनुसार कुछ भी डाल सकते हो फ्रेंड्स इसमें। ये रायता एक बार जरूर बनाना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनता है, बच्चों के लिए हेल्थी होता है, जो बच्चे सब्जी नहीं खाते इस रायते को जरूर पसंद करेंगे फ्रेंड्स, जरूर ट्राई करना एक बार इस रायते को बनाने की। ये मैंने कट करके डाल दिए फ्रेंड्स देखो, अब मैं इसे इसका थोड़ा चौड़ा वो है। फ्रेंड्स देखो ये बन गया है, आप इसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ, किसी भी चीज के साथ खा सकते हो फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा, बच्चे जरूर खाएंगे इसे, जरूर ट्राई करना फ्रेंड्स एक बार बनाने के, बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसके अंदर एक चीज और करेंगे, इससे रायते की और ज्यादा क्वालिटी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, हम एक चीज और करेंगे इसके अंदर, अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको। ये फ्रेंड्स देखो मैंने उपले का टुकड़ा लिया है, आप कोयला भी लकड़ी का ले सकते हो, उससे भी झटपट से आप है ना जो गर्म कर सकते हो गैस के ऊपर।
अब मैं इसको गैस के ऊपर रख दूंगी और ये पक जाएगा। ये फ्रेंड्स मैंने गैस के ऊपर इसको रख दिया है, ये 5 मिनट के अंदर पक जाएगा। फ्रेंड्स ये मेरे पास उपला था इसलिए मैं उपले से इसको इस्तेमाल कर रही हूं। आप लकड़ी का कोयला मिल जाता है तो वो भी यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देखो पक गया है, मैंने गैस बंद कर दी है, इसमें कोई धुआं नहीं आ रही बिल्कुल भी, देखो किसी भी तरह से धुआं नहीं आ रही है बिल्कुल, एकदम ये आंच बन गई है। अब मैं इसको यहाँ रख दूंगी, रखने के बाद मैं इसमें फ्रेंड्स इसके ऊपर घी डालूंगी थोड़ा सा। और ये देखो मैंने है ना जो छोटे मुंह का बर्तन लिया है, ये लोटा है, आप छोटे मुंह का डिब्बा जब कुछ भी ले सकते हो फ्रेंड्स। ये देखो ये घी है, ये घी इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये घर का घी है फ्रेंड्स, बाजार का घी नहीं है ये फ्रेंड्स। देखो इसमें धुआं होने लग गई है घी की। अब इसको फ्रेंड्स हम ढक देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, अब हम इसको ढक देंगे और इसको ये धुआं के अंदर अच्छी तरह से घुट जाएगा, फिर हम इसके अंदर रायता डालेंगे। ये फ्रेंड्स देखो इसमें धुआं हो गई है, इसे ढक देंगे हम, ढक दिया हमने इसको। ये फ्रेंड्स आप देखो हम इसमें डाल रहे हैं रायता, ये हमने इसमें डाल दिया और इसी साथ हम फिर दोबारा से ढक देंगे ताकि इसके अंदर ये जो धुआं है अच्छे से घुट जाए और रायते के अंदर खुशबू हो जाए। इसे अगर आप पसंद भी नहीं करोगे तो भी खाना पसंद करोगे फ्रेंड्स, जरूर बनाना ऐसा रायता। जो बच्चे सब्जी नहीं खाते, बड़े भी नहीं खाते, इस रायते को जरूर खाएंगे फ्रेंड्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।